नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बंगाल की खाड़ी में जवाद तूफान आने वाला है, इसको लेकर अभी से ही बिहार में असर देखने लगा है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और जवाद तूफान का असर बिहार में भी दिखने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ये तूफान सीधे तौर पर बिहार में तो नहीं आक्रामक होगा, लेकिन हाँ, इस तूफान का असर जरूर बिहार में देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इसके चलते होने वाले मौसमी बदलाव का असर दिख सकता है। इस तूफान के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही हल्की बारिश और वज्रपात का भी खतरा बना रहेगा। इसको लेकर राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान भी अलर्ट जारी कर चुका है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल में उठे चक्रवात का असर बंगाल और झारखंड में अधिक देखने को मिलने वाला है। फिलहाल बिहार में ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। सुबह कोहरे और धुंध की स्थिति बनी रहती है, जिसकी वजह से सुबह यातायात भी प्रभावित हो रहा है। पटना, पूर्णिया और प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोहरे का असर भी शुरू हो गया है। 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा शहर बन गया है। पटना का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक पूर्वी और उत्तर पूर्वी हवा का प्रवाह जारी है, इससे प्रदेश में 2-3 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि अगले कुछ दिनों में बिहार के अलग अलग हिस्सों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। साथ ही पटना समेत अन्य जिलों में सुबह के समय धुंध के साथ आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। 5 दिसंबर को प्रदेश के पूर्वी भाग के हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। पूर्वी और उत्तर पूर्व हवा चलने के साथ प्रदेश के मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रदेश में अब धीरे धीरे ठंड का असर भी बढ़ते जाएगा। उम्मीद है कि 15 दिसंबर तक ठंड पूरी तरह परवान पर हो गया। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहने के साथ न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट भी दर्ज की गई है। दक्षिण बिहार में न्यूनतम तापमान 10 से 12 तो उत्तरी हिस्से में 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में आंशिक वृद्धि जरूर देखी गई है। बिहार के प्रमुख शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान अगर हम देखें तो पटना में अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। गया में अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहा। भागलपुर में जहां अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहा। मुजफ्फरपुर में जहां अधिकतम पारा 27 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा मोतिहारी में 29 डिग्री अधिकतम तो वहीं 15 डिग्री न्यूनतम पारा रहा, जिसके बाद अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बिहार के सभी जिलों में लगभग ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है और लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।